सो हे गाइस, मैं हूं राजित एंड यार वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। अब मुझे पता है गाइस कि मैं वीडियो बहुत टाइम के बाद अपलोड कर रहा हूं, लेकिन अब से वीडियो रेगुलरली आएगी। रेगुलर का मतलब वही 2 से 3 दिन के अंदर एक वीडियो। उसी के साथ में गाइस थैंक यू सो मच फॉर 40K सब्सक्राइबर्स। तो गाइस आज के इस वीडियो के अंदर हम लोग देखने वाले हैं जब अपने इंडिया के बेस्ट गेमर्स माइनक्राफ्ट में क्रिएटिव मोड का यूज करते हैं या फिर आप लोग कह सकते हो कि चीटिंग करते हैं। और वीडियो शुरू होने से पहले मैं आप लोगों को बता देता हूं कि वीडियो सिर्फ एंटरटेनमेंट पर्पस के लिए बनाई गई है, और जितनी भी गाइस मैं आप लोगों को वीडियो दिखाने वाला हूं उनकी लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। तो प्लीज इसे एंजॉय करना, क्योंकि यार इस वीडियो को बनाने में गाइस बहुत ज्यादा टाइम लगा है। नंबर 1 पर आते हैं गाइस यार टेक्नो गेमर्स। अब जैसा गाइस आप लोग जानते होंगे GTA 5 की सीरीज के बाद टेक्नो गेमर्स की माइनक्राफ्ट की सीरीज ही सबसे ज्यादा पॉपुलर है, और मुझे इनकी क्रिएटिव मोड वाली क्लिप सर्वाइवल सीरीज के पार्ट 12 से मिली है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि आखिरकार इन्होंने कहां पर क्रिएटिव मोड का यूज किया है। ये क्या चीज है भाई, एक सेकंड रुक जाओ, ये पता नहीं क्या था, इसको मैंने पहले भी मारा था और ये जो चीज है मैं इसको उठा नहीं पा रहा, मेरे बैग की जगह भर गई है, तो मुझे पहले कुछ गिराना पड़ेगा। एक्स फेंक देता हूं, एक का कोई काम नहीं है। तो यहाँ पर वो क्या होता है, एक सेकंड रुक जाओ, ये है स्लाइम बॉल, पता नहीं इससे क्या होता है। यहाँ पर आप लोग इनकी इन्वेंटरी के लेफ्ट साइड में देखे तो आपको एक अजीब सी चीज नजर आएगी। सो बेसिकली गाइस ये अजीब सी चीज ज़ॉम्बी हॉर्स स्पॉन एग है, जो इनकी इन्वेंटरी में क्रिएटिव मोड या फिर कमांड की हेल्प से आया होगा। लेकिन बाद में गाइस जब इनके फैंस ने इनसे पूछा तो आप लोग खुद सुन लीजिए इन्होंने क्या कहा। यार बहुत सारे लोग ना मुझे ये बोल रहे थे कि लास्ट वाले एपिसोड में तुम्हारे पास ज़ॉम्बी एग कहां से आ गया, वो तो क्रिएटिव मोड से मिलता है। तो हां भाई, मैंने क्रिएटिव मोड करा था उसको लेने के लिए, क्योंकि यार मैं ना एक बहुत ही तगड़ी चीज बनाने वाला हूं, तो उसके लिए ना मेरे को एक चीज टेस्ट करनी थी कि वहां पर ज़ॉम्बी अगर जाते हैं तो कैसा रिएक्ट करते हैं। मतलब अभी ना उस जगह के बारे में आपको बिल्कुल नहीं बताने वाला, वो आपको माइनक्राफ्ट के नेक्स्ट एपिसोड में ही पता चलेगा। मतलब कि अब जो चीज बनने वाली है ना, अगर वो एक बार सक्सेसफुली बन जाती है तो भाई बहुत ज्यादा तगड़ा रहेगा, और हां वो मैं पूरी सर्वाइवल में बनाने वाला हूं। नंबर 2 पर आते हैं गाइस लोगी और चपाती गेमर। अब जैसा गाइस आप लोग जानते होंगे कि लोगी और चपाती काफी टाइम से माइनक्राफ्ट खेल रहे हैं, और मुझे इनकी क्रिएटिव मोड वाली क्लिप लोगी के सर्वाइवल सीरीज के पार्ट 4 से मिली है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूं कि आखिरकार इन्होंने कहां पर क्रिएटिव मोड का यूज किया है। घर मूव करने के दौरान हमें बहुत सी रेयर चीजें मिली लोगी। हां बहुत रेयर चीजें हमें मिली, हम एक्सप्लोर करने गए, हमें सामने एक और गांव वाले हैं, इनको हम लूटेंगे नहीं, तो ये हमारा चेस्ट पूरा भरा हुआ है जो चीजें हमारे पास पहले थी, लेकिन इस चेस्ट में ये बहुत रेयर ब्लॉक्स हैं और इसमें ये खाली है। और हमने क्या सोचा है कि ये रेयर ब्लॉक से हम अपने घर को एक्सटेंड करेंगे। अब यहाँ पर आप लोग देखिए तो इनके चेस्ट में स्मूथ क्वार्ट्ज ब्लॉक है जो ओवरवर्ल्ड में कहीं पर भी नहीं मिलते हैं, और इतने ज्यादा तो बिल्कुल भी नहीं। घर मूव करने के दौरान हमें बहुत सी रेयर चीजें मिली। यहाँ डाल देते हैं, ओके फिलहाल सही जा रहा है। नंबर 3 पर आते हैं गाइस स्मार्टीफाई। अब एक बार स्मार्टीफाई माइनक्राफ्ट में क्रिएटिव मोड का यूज करते हैं, और बाद में सेम टेक्नो गेमर्स की तरह अपने क्रिएटिव मोड का यूज करने का रीजन बताते हैं। तो बेसिकली वहां पर जो 17 मिनट्स और 33 सेकंड पे वहां पर मेरी वीडियो के नीचे लिख के आया था कि सेट योर ओन गेम टू सर्वाइवल मोड, इसका मतलब है कि मैं पहले गेम के अंदर क्रिएटिव मोड में जा चुका था एक बार, और मैं गया था पर वो इसलिए नहीं गया था मैं कि आप लोगों को मैं बेवकूफ बनाऊं या फिर मैं कुछ क्रिएटिव मोड में जाकर कुछ प्रोग्रेस कर दूं और फिर मैं आप लोगों को दिखाऊं कि तो मैंने खुद किया हुआ अपनी मेहनत से, ठीक है। तो जब मैंने उस कार्ड को वहां से भेजा अपने इस प्लेटफॉर्म से, तो एटलीस्ट 5 मिनट तक वेट करने के बाद भी वो वापस नहीं आया तो मैं डर गया, मेरे को लगा भाई ऐसा क्यों हुआ, हो सकता है। तो उस पॉइंट पर मैंने क्रिएटिव मोड में शिफ्ट किया, जब मैं उड़कर गया ना तो मेरे को पता चला वहां पर एक ग्लिच था, वो मेरा फंस चुका था। बेसिकली मैं वहां पर वेट कर रहा हूँ कि वो विलेजर को लेकर आएगी, वो वहां पर फंस चुकी थी ट्रैक पर ही। अब यहाँ पर इनका कहना है कि इन्होंने सिर्फ उस अटकी हुई माइनक्राफ्ट के लिए क्रिएटिव मोड का यूज किया है, लेकिन उसी के साथ में इन्होंने 2-3 जगह और क्रिएटिव मोड का यूज किया है। खैर जहाँ इनकी पिछली वीडियो में क्रिएटिव मोड लिख के आया है उस वाली क्लिप को इन्होंने रिमूव कर दिया है। चलिए मैं आप लोगों को दिखाता हूँ कि इन्होंने और कौन सी जगह क्रिएटिव मोड का यूज किया है। अब इनके डे 2 में जाने से पहले इनकी सोर्ड की HP देखो। साला चोर कहीं का, तेरे वैसे मेरे 2 विलेजर्स भी मर गए जो ऊपर चढ़े हुए थे बड़े अच्छे से। Oh my God guys, मेरे से नहीं। यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं कि इन्होंने क्रिएटिव मोड से अपनी सोर्ड रिप्लेस करवा ली है। Oh my God guys, मेरे से नहीं हो रहा है, और ये सेकंड डे अब स्टार्ट हो चुका है, यानी कि मैं अगले दिन रिकॉर्डिंग कर। नंबर 4 पर आते हैं गाइस लाइव इंसान, और मुझे इनकी क्रिएटिव मोड वाली क्लिप इनके प्रेजेंट सर्वाइवल सीरीज के पार्ट 2 से मिली है, जिनके अंदर इन्होंने फेक बाबा जी जो शायद पल्लव जोशी होते हैं उनकी हेल्प से 5 नहीं 10 नहीं बल्कि टोटल 20 डायमंड्स क्रिएटिव मोड से रख लिए। लेकिन वो स्क्रिप्टेड पार्ट इन्होंने अपनी ऑडियंस को सिर्फ एंटरटेनमेंट करने के लिए बनाया था, और आप में से कितने लोगों ने गाइस उसे सच मान लिया कमेंट करके जरूर बताना। तुमको डायमंड चाहिए? हाँ बाबा, हाँ बाबा, बाबा की जय हो, बाबा सब जानते हैं, बाबा की जय हो। तुम्हें डायमंड मिलेंगे, बाबा ने बोला इस डायरेक्शन में खोदो डायमंड मिलेगा। बाबा ने जो बोला मानना होगा।
माय गॉड, बाबा ने मेरी जिंदगी बना दी, मुझे बाबा को थैंक यू बोलना पड़ेगा। नंबर 5 पे आते हैं गाइस, बीट्स पर सुब। अब जैसा गाइस आप लोग जानते होंगे कि BBS ने अपनी सर्वाइवल सीरीज में बहुत बार क्रिएटिव मोड का यूज किया है, लेकिन जब भी उन्होंने क्रिएटिव मोड का यूज किया है, उन्होंने अपनी ऑडियंस को बताने के साथ में अपने आप को मेंटेन करने के लिए जो सामान वो क्रिएटिव मोड में यूज करते हैं उनमें से जो सामान उनके पास होता है उसे वो लावा में ड्रॉप कर देते हैं। अच्छा, मैंने आयरन भी बहुत यूज करी है तो ये ले लेते हैं, थोड़ी सी स्टिक्स डाल देते हैं। और बताओ, गोल्डन एप्पल दे रहा हूँ, नहीं गोल्डन यार वो ज्यादा महंगा भाई, मैं अपना पोटैटो दे रहा हूँ, लो 64 पोटैटो, पता है कितने महंगे आते हैं, तुलवाए हैं कभी बाजार में जाके, मैं वो दान कर रहा हूँ। और बताओ, रेडस्टोन डस्ट दान कर रहा हूँ मैं। और बताओ, ये लो नहीं सारे ब्लॉक तो नहीं पर आधे ले लो, चलो गोल्ड इनगुट ब्लॉक ऑफ 17 गोल्ड लो तुम। और बताओ, ये 64-50 आयरन ले लो, ये भी ले लो, ब्लॉक ऑफ आयरन 35 है, आधे कर दो इन्हें, 18 ब्लॉक ऑफ आयरन गया लावा में। ये 64 ब्लैक लपुली लपाली, ये भी गई, मैं लैपिस लजुली बोल सकता हूँ पर ये लपुली लपाली बोलने में मजा आता है, ठीक है। 15 डायमंड लो तुम, ये लो, ओह तुम्हें लगा मैं 15 नहीं 16 लो तुम, और भी क्या याद करोगे, कुछ ज्यादा ही दे रहा हूँ भाई मैं। डायमंड गए अभी अभी, दर्द हुआ कितनों को हुआ। एंड उसी के साथ में गाइज, थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। और जितने भी गाइज अपने इंडिया के बेस्ट माइनक्राफ्ट प्लेयर्स हैं, मैं सिर्फ यूट्यूबर्स और स्ट्रीमर्स की बात नहीं कर रहा हूँ, मैं आप लोगों की भी बात कर रहा हूँ कि आपने भी कभी ना कभी तो अपने सर्वाइवल वर्ल्ड में क्रिएटिव मोड का यूज किया होगा। और अगर हमारे इंडियन यूट्यूबर्स माइनक्राफ्ट में क्रिएटिव मोड का यूज करते हैं तो आप लोगों को एंटरटेनमेंट करने के लिए और अपना टाइम बचाने के लिए ही करते हैं। तो गाइज आज की वीडियो के लिए इतना ही, वीडियो पसंद आए तो यार प्लीज वीडियो को लाइक करना, मैं चलता हूँ एक और नई वीडियो बनाने के लिए, तब तक के लिए गुड बाय। Die.